अब सही आ रहा है। लाउड बोलते हैं मिट्टी, लाउड बोलते हैं। अच्छा अब हो गया, अच्छा इस ओके अच्छा पहले तो दिखाओ फिर। अच्छा पहले आप ऐसे करें, पहले स्टार्ट कैसे हुआ था वो आप देख ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ इंशा, क्या प्लान है बेटे? Skin care, which is like this kind of, you put like, see like, thing. There's also a tool one, which is your lip. Okay, करना क्या अकेले ने करना है या मामा के साथ, क्या mean what's your plan? अच्छा इंशा करना क्या? I want to do like skin care with you because I'm not really sure how you use it. तो उसके लिए कुछ सोचा आपने प्लान? तो फिर क्या करना है बेटी? So we're going to like put our bathrobes on. Robe? We're going to put our robes on and put full get up and mama too. Mama ne bhi karna, mama ne bhi karna. Oh no. अच्छा ये करना है? You have to put like this band. तो मैंने भी सेम करना है? Yes. Okay, चल ठीक, फिर रेडी हो? Yes. चलो फिर रेडी हो जाओ। Okay. ये देखिए रेडी हो गई। मुझे भी कहते कि मामा आप भी रो पहनो, आप भी मेरी तरह रेडी हो। तो से पीछे हो ना, सरकट हो रहा है। ये खुद ही कह रही थी कि मामा आप भी रेडी हो मेरी तरह। तो अच्छा क्या हुआ, इसे कहाँ से आइडिया है? ये ना मैं लेके आई थी कुछ पैक्स, फेशियल पैक्स, शीट्स वगैरह, तो इसने ये देखे तो कह रही थी इंशा तो ये कह रही थी कि मम्मा मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो इस तरह से मैंने कहा चलो फिर कर लो, बोर हो रही थी, कह रही थी कुछ करना है। चले जी इंशा, क्या लगाना है फिर आपने? अच्छा एक मिनट, अच्छा पहले मेरे पास ना ये, अच्छा मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है गोल्डन आई जेल पैक्स। ये मैंने कभी नहीं यूज़ किए, तो मुझे ऐसे नजर आए तो मैंने कहा चले मैं ये चेक करती हूँ। और इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं, 6 पैच मिलते हैं। तो ये था, और इसके अलावा इसी के गोल्डन जेल वालों के ये लिप्स वाले थे, ये लिप्स वाले पैक्स हैं। ओके ये वाले अच्छे, और अच्छे पकड़ो, मैं भी ये लगा लेती हूँ, तो मैं भी चेक करती हूँ। मतलब पहले नाइस वाला लगा लो। अच्छा ये भी नाइस है, मैंने पहले हाँ ये है कि मैंने मिशो है पाकिस्तान की, जो मेकअप ट्यूटोरियल भी दिखाती फेशियल ब्रश की, ओके स्किन रूटीन वगैरह का ना, तो उसको मैंने देखा है, तो वो बड़े अच्छे करते निशु खान, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ तो इस तरह से दो है इसके अंदर, और ये क्या करना है? अच्छा ये यहाँ से, ओके अल्लाह ये लगा ले, मैं रहने देती हूँ। ओए ओके ये लो, कुछ नहीं होता ये पकड़ो, ओपन, अच्छा मेरी बारी है। बहुत टाइम से इसका शौक था, कहती थी मम्मा ये आपके पड़े हैं, जब से लाई हूँ तब से पीछे पड़ी हुई थी, तो ना मैंने कहा चले मैं भी लगा ही दूँ। ये पकड़ो, गिर तो नहीं जाएंगे? ए नो मूव,
ये तो नीचे आ जाते हैं, सिल्की से हैं। हम ये क्या करेंगे? ये अप्लाई किए तो उससे तो इतना मजा आ रहा था। कह रही थी बार बार करना है, और मैं कह रही थी कि ये बाबा स्लीप हो रहे थे नीचे को, तो चले देखते क्या होता है। बस आज ये मदर एंड डॉटर का टाइम है, तो पैम्पर टाइम है, तो बस बहुत इंजॉय किया जा रहा है, तो साथ साथ आपसे भी शेयर किया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आए, और बस अजीब सा ही फील हो रहा था एंड 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, और वो बोलने भी नहीं दे रही थी। कहती बस मम्मा कीप क्वाइट एंड जस्ट वेट एंड वॉच। सो फनी ना, नीचे उतर आते हैं हाथ दे। जी तो 10 मिनट्स हो गए, तो अभी टॉल लेते हैं थोड़ा सा। सो सिल्की, सो स्मूथ ना, सिल्की एंड स्मूथ। अब क्या देखें? अच्छा इंशा से पूछते हैं, इसको मजा आया एक्सपेरिमेंट का? इंशा मजा आया? Yes, I loved it when Mama like put the lip on and then it fell dark. और ये लगाने से कुछ क्या? I like too big for myself to put it on. Lips बड़े थे। I want like ghost. और मजा आया? क्या फील किया? फील क्या? I felt like spouts. है ना? चल ठीक है। Okay, finishing so happy. चलो अब जाओ, अल्लाह हाफिज़ बोलो। चलो जाओ, ओके गो, अल्लाह हाफिज़। जाके रोब उतार दो। जी तो देखा आपने, इंशा बोर हो रही थी, पता कि आपसे चीज़ें लेके आई थी ना, तो वो कह रही थी कि मम्मा मैंने यही यूज़ करनी है, बस उसकी नज़र थी मेरी चीज़ों पे ना, तो आज वो कह रही थी कि मम्मा मैं बोर भी हो रही हूँ तो करना है कुछ, बस बच्चे भी ना, तो मैंने कहा चलो अब जाओ, मेरी जान छोड़ो, मुझे तो अकेला छोड़ो। तो बस मैंने फेस वगैरह तो नहीं किया था, क्योंकि डेली मैं मॉर्निंग में बहुत अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, तो कोई फेशियल की ज़रूरत नहीं थी। तो बस एक मेरे पास मास्क पड़ा था, वो मैंने 1-2 टाइम पहले भी यूज़ किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उससे, एक चेहरे का जो मीन सॉफ्टनेस होती है ना, वो बरकरार हो जाती है। तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये गोल्ड पील ऑफ द मास्क, ये बहुत नाइस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलें जी इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फेस वगैरह की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैंने कहा इससे क्या होता है कि एक तो स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और एक स्किन पे जो ग्लो आता है ना, उसकी तो क्या ही बात है। तो मैंने कहा चले बस ये अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेकअप वगैरह करने से पहले कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा क्लेंजिंग नहीं, तो मुझे मास्क की ज़रूरत है जिससे ना ऐसा ग्लो आ जाएगा। इसके साथ ही जो पहले इंशा मैंने आईज़ के अंडर आई और लिप्स पे किया ना यूज़, वो बिल्कुल, मैं तो सच्ची ट्रूली थिंग आपको बताऊं, ओबियसली वो तो बिल्कुल ही फजूल सा है। अगर उसकी जगह हम क्यूकम्बर भी रख लेना, वही बेस्ट है। तो मैंने कहा चलें जी, हस्बैंड को भी डराया, इंशा को भी डराया, अब आपको भी डरा लेती हूँ। सो फनी ना, तो बस ऐसे ही। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये देखिए। अब मैं नेल पेंट अप्लाई करने लगी थी, तो बेटी आ गई, कह रही कि मैंने भी नेल पेंट अप्लाई करने। मैं कह लो जी कर लो गल। मैंने उसे कहा कि ऐसे करो जो आपके अपने नेल पेंट्स हैं ना, वो लेके आओ। तो कहती मैं नहीं मम्मा, ये ज़्यादा स्टे नहीं करता है, आपके कलर्स ज़्यादा स्टे करते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, तो मैंने आपके यूज़ करने। मैं कहा ना ना बाबा ना। तो बस आज कह रही थी कि मम्मा जो कुछ कर रहे ना मैंने वही करना है, तो आज इसका मतलब ऑल डे हमारा पैम्पर डे है, कोई कुकिंग शुकिंग नहीं है जी। मास्क बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका था, और देख सकते हैं ऐसा ड्राई हुआ कि मेरा जो स्कार्फ है वो भी स्टुक हो गया है। तो बस मेरे फ़नी फेसेस भी देखो और हंस लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, हंसने में कोई बिलशील नहीं आता है। तो बस इसको टोटली अच्छे से ड्राई होने देना। मैं कहा चले थोड़ा सा स्कार्फ चेंज कर लेती हूँ, इरिटेट कर रहा था। तो अभी इसको मैं पील करूँगी और अजीबोगरीब शक्लें बनेंगी, तो बस बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो इसको उतारती हूँ और देखिएगा, अभी इतना प्यारा सा ग्लो आ रहा है, ये देखें, इतनी नाइस सी स्मूथ सी सॉफ्ट सी स्किन हो जाती है। और बस वैसे भी मेकअप करने से पहले फेस को स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद ये डन हो चुका था, और उसके बाद ये बारी आई है नेल्स को थोड़ी सी शेप देने की और नेल पेंट अप्लाई करने की। आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ, और साथ में नेल पेंट्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अप्लाई करती हूँ, कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाती हूँ। तो मैं कह चलें आज आपसे भी ये शेयर करती हूँ।
वैसे भी मुझे नेल पेंट अप्लाई करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, शौक रखती हूँ, हर चीज़ का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने दो कलर्स के साथ इस तरह से इसको अप्लाई किया है। स्विच तो ऑन किया ही नहीं था क्या? मैम ये क्यों लाइट क्यों नहीं आ रही है? दाग क्यों लग रहे नेल्स? हाँ लाइट ही ऑफ हुई थी, नोटिस नहीं किया। ये देखिए दो कलर में मैंने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से कोई कॉर्नर में कोई लाइंस बना के उसको अप्लाई किया है और कुछ डॉट्स ऊपर लगाए हैं। फिर मेरे पास कुछ ओल्ड बीन्स पड़े थे वो मैंने ऊपर लगाए, तो बहुत ही प्यारे से नेल पेंट अप्लाई हो चुकी है, स्टाइलिश और डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये अप्लाई कर लिए मैंने, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद टर्न है जी बाल स्ट्रेट करने की, मैंने बाल स्ट्रेट करने हैं तो मैंने कहा चलें अपनी हेयर स्ट्रेटनर आपसे शेयर करती हूँ, ओपन करती हूँ फर्स्ट टाइम ही। और बाल स्ट्रेट मैं ज़्यादा नहीं करती होती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ईद पे किए थे और आज करने जा रही हूँ, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए हीटिंग को ज़्यादा यूज़, देन आपके बाल भी अच्छे रहेंगे सेव रहेंगे। तो बस अभी ओपन करने जा रही हूँ और ये रोमन वालों की मैंने ऑर्डर की थी और बहुत बेस्ट रहती है। तो ये इस तरह से एक पाउच निकला जिसके अंदर स्टिचिंग वगैरह रखनी है, सेव करनी है। और ये मैं परेशान हुई थी ये किस तरह का अजीब सा, और साथ में जी इंस्ट्रक्शन बुक है जिसकी तो ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पता है। हाँ ये है कि स्ट्रेटनर बाय करते हुए ये बात जरूर माइंड में रखनी चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटनर है उसका जो नंबर्स होते हैं हीटिंग को कंट्रोल करने वाला मीन हाई या लो वो ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरे पाकिस्तान वाली है, ये मेरे पाकिस्तान से लेके आई थी, स्टार से 9 ईयर हो रहे हैं और ये बहुत बेस्ट थी। क्यों बेस्ट थी? क्योंकि ये विड्थ में थी और इससे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मीन स्पीड हाई, हीटिंग को हाई या लो करने वाला भी ऑप्शन होता है, ये ज़रूर होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी ज़्यादा हीट हो तो बाल बर्न हो सकते हैं, तो इसलिए तो इस दफ़ा मैंने ये लिया है। तो इसको ट्राई करते हैं और यूज़ करते हैं। और ये मैंने वही लिया है जहाँ से हीटिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना बाल डैमेज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और हैंड भी बर्न हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड में बात रखनी चाहिए ये। तो अभी स्ट्रेटनर को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि वर्क करती है या नहीं। तो बस अभी बाल स्ट्रेट करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सीरम है मेरे पास, हेयर सीरम। ये बाल थोड़े से वेट हों तो तब अप्लाई करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स लेके, बहुत इजी ऐसे ही हमने बालों पे अप्लाई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि बाल बर्न नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। तो ये अप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। बस अगर मुझे होती ना परमिशन तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपने बाल स्ट्रेट करके दिखाती कि मैं कैसे स्ट्रेट करती हूँ। खैर बाय द वे बाल स्ट्रेट करते हुए इस बात को तो ज़रूर मैं माइंड में रखती हूँ। और उसके बाद जी स्ट्रेट करने के बाद मैं ये वाला शाइनर यूज़ करती हूँ जो आप देख सकते हैं, और इससे क्या होता है कि बालों में नाइस शाइन आ जाती है और नेक्स्ट शॉवर लेने तक मेरे बालों में स्टे रहता है 3-4 डेज। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इससे जस्ट लाइट से स्प्रे करना, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। तो बस ये हो चुका है डन, तो अभी मैं जाके बाल स्ट्रेट करूँगी, देन आपसे दोबारा मिलती हूँ। जस्ट ये 3 थिंग्स यूज़ होनी है जी। तो अभी टर्न है जी मेहंदी लगाने की, क्योंकि अपनी एनिवर्सरी के लिए अपने आप को पैम्पर किया जा रहा है तो कंप्लीट तो करना है ना। तो मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, इतना शौक नहीं है कि डेली अप्लाई करूं, कभी कभी ज़रूर अप्लाई करती हूं, कभी कभी स्पेशल डे पे। तो बस जब मेहंदी लगाती हूँ ना तो तब मुझे बेइंतहा शिद्दत से अपनी सिस्टर की याद बहुत ज़्यादा सताती है, क्योंकि उन जैसी ब्यूटीफुल मेहंदी मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती। इतनी ज़बरदस्त वो आसम मेहंदी लगाती हैं, इतने प्यारे स्टाइल बनाती हैं, मैं तो बस अपना टाइम पास करती हूँ फ़ोन से देख के। ये तो जैसा कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मेरी सिस्टर अमेरिका शिफ्ट हुई हुई हैं और अमेरिका की लाइफ के व्लॉग्स भी बनाती हैं और अपने प्यारे से लुक्स क्रिएट करके मेकअप ट्यूटोरियल भी करती हैं। उनका चैनल का लिंक और नेम मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसकी आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, वो इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं। मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने मेरे दोनों आर्म्स पे फुल आर्म्स फुल किए थे इंडियन स्टाइल मेहंदी के साथ, और आज तक वो मुझे याद है। अब तक मुझे वैसा चांस ही नहीं मिला, आई डोंट नो अब कब चांस मिलेगा, कोई भी नहीं पता। और इसके साथ ही जी आज मदर एंड डॉटर्स का मैंने पैम्पर डे शेयर किया है और बातें भी खूब सारी की हैं, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। ये है जी मेरी मेहंदी की लास्ट लुक, सिंपल सी जैसे तैसे मैंने लगा ही ली जी। तो इसके साथ ही बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।